तो ये रेलवे स्टेशन है राजनांद गांव का। तो ये है भाई, अच्छा मस्त सुंदर बना दिया है। ये राजनांद गांव का तहसील कार्यालय है। अरे वाह, बैंक है, गुरुद्वारा, देखिए क्या नज़ारे हैं। हॉकी स्टेडियम राजनांद गांव का अभी आ गया, लोग वैसे भी आ रहे हैं, दर्शन करके जा रहे हैं। इस तरह से बस स्टैंड फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं, इतना अच्छा तो रायपुर में नहीं बना हुआ। Hey guys, welcome back my YouTube channel Vlogs Road पे को फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो पे। गाइस, तो आज मैं आप लोगों को राजनांद गांव शहर दिखाने वाला हूँ, और शहर इसलिए दिखलाता हूँ क्योंकि एक जानकारी हो जाता है, जैसे कि मैं कभी कोरबा नहीं गया हूँ तो मुझे नहीं आइडिया नहीं है कि कोरबा का रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, बस स्टैंड कहाँ पे है, होटल कहाँ पे अपने को सस्ता और अच्छा मिल सकता है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो आज का ब्लॉग यही है, राजनांद गांव में पूरा ये कवर करेंगे कि कहाँ पे घूमने लायक जगह है, बस स्टैंड कहाँ पे है, रेलवे स्टेशन कहाँ है, होटल अपने को कहाँ पे मिल सकता है, मार्केट कहाँ पर लगता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो पे मिल जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो कर देना, बहुत मेहनत लगता है और आपका भाई का चैनल। गाइस, तो आज मैं आप लोगों को राजनांद गांव शहर दिखलाने वाला हूँ। स्वागत हुआ है ट्रैफिक सिग्नल से, तो चलिए पूरा एक एक चीज़ कवर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, मतलब कि 20 मिनट तक रखूँगा मैं। तो यहाँ पे भाई साहब खोले हैं चाचा चौधरी चाट कॉर्नर, वाह मस्त है। तो यहाँ से चालू होता है मार्केट एरिया, मार्केट का मैं अलग से व्लॉग बनाने वाला हूँ, फिर भी एक नज़र आप लोगों को दिखला देता हूँ। यहाँ भी बड़े बड़े शॉप हैं, आम तो हर जगह आ रहा भाई, इस बार आम की कोई कमी नहीं है। तो ये मार्केट एरिया है, अरे वाह, ये फेमस है बहुत, लोग जब भी राजनांद गांव आते हैं तो वहाँ पे खाते ज़रूर है समोसा कचौड़ी। थोड़ा अंदर चलकर दिखलाता हूँ, वैसे तो मैं इसका अलग से व्लॉग बनाऊँगा कि यहाँ पे किस तरह का शॉप है। वैसे आप तो हल्का फुल्का देख ही रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े शॉप है कपड़े के। देखो यहाँ भी थोक मार्केट है भाई साहब, मैं आपको पहले बताया था पंडरी रायपुर वाला मैंने व्लॉग बनाया है, आपने नहीं देखा तो देखिएगा। पंडरी से अधिकतर माल आता है, कपड़े के हो गए, इलेक्ट्रॉनिक के हो गए, और भी बहुत सारे हैं, साड़ी हो गए, उसके लिए कुर्ती पैजामा। तो ये सीधा सीधा गई हुई है, अपन अब रिटर्न ले लेते हैं क्योंकि अपन पूरा शहर दिखलाने वाले हैं आपको। तो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड भी आप लोगों को दिखला देता हूँ, आसपास में होटल है भी कि नहीं ये भी देख लेते हैं अपन। बहुत प्यारा लग रहा है हमर राजनांद गांव, यहाँ पे बाइक सर्विस सेंटर है, कभी रिपेयरिंग, काफ़ी बड़ा है राजनांद गांव और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ज़िले में आता है। एक वीडियो में दिखला पाना बहुत मुश्किल है। होटल है भाई आलिशान यहाँ पे, इधर चलेंगे देखते हैं। ये है रेलवे स्टेशन है नगर निगम राजनांद गांव, तो ये रेलवे स्टेशन है राजनांद गांव का, SBI बैंक वगैरह भी है। तो दिखलाते हैं आपको, ये है नज़ारा, लिफ्ट लगी हुई है, पैर रखो और ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ोगे। तो खाने पीने और रहने के होटल आपको मिल जाएंगे, तो थोड़ा होटल वगैरह का भी भ्रमण कर ही लेते हैं अपन, यहाँ तो आपको मिल जाएंगे। ये देखो ढाबा है, तो होटल यहाँ पर देखा हूँ मैं, ये है बड़ा सा होटल संगम चौक। तो ये है भाई, अच्छा मस्त सुंदर बना दिया है। इधर है HDFC बैंक है राजनांद गांव शाखा, इधर भी होटल वगैरह भी हैं, देखते हैं आसपास के एरिया। राजनांद गांव मैं बहुत बार आया हूँ लेकिन अच्छे से मैं देखा नहीं हूँ राजनांद गांव को, इसी बहाने मैं भी अच्छे से देख लूँगा। सैनिक कल्याण कार्यालय, अब ये कहाँ निकालेगी नो आइडिया। ये भी कार्यालय है, सहायक आयुक्त विश्राम ग्रह,
इधर भी चार्ज सेंटर लगे हुए हैं। तो अब रिटर्न लेते हैं, यहाँ पे बल्ब मिल रहा है 9 वोल्ट का 40 रुपये में, 6 माह के वारंटी मिला है। केले रखे हुए भाई साहब, इधर चल के थोड़ा सा और देखते हैं अपन। अच्छा, ये ओवर ब्रिज बना हुआ है, ये कहाँ कनेक्ट करती है इतना अच्छे से मुझे भी जानकारी नहीं है। थोड़ा सा इधर और बढ़कर देखते हैं, बता रहा हूँ ना, जितना आगे बढ़ते जाओगे आपको एक से एक चीज़ देखने को मिलेगा। तो मैं अभी यहाँ से रिटर्न ले रहा हूँ इस साइड, तो इतना अंदर तो आप लोग नहीं घुसोगे, बस आपको अच्छे से दिखलाना है सबेरा संकेत। ये क्या है भाई, कार्यालय है ये? अच्छा, ये राजनांदगांव का तहसील कार्यालय है। सही है भाई, आगे और इतना दूर आया हूँ तो थोड़ा सा और आगे बढ़कर देख ही लेता हूँ मैं। तो जो भी कोर्ट कचहरी का काम होता है यही साइड पे होता है, रेलवे स्टेशन के पास। बाकी आगे में भी अच्छा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। वाह, क्या नज़ारा है, अंदर ही अंदर काफ़ी बड़े घर बने हुए हैं। और उस साइड है ट्रेन रूट। फिर से मैं इसी रोड पे आ गया हूँ, रेलवे स्टेशन वाली रोड पे। अब यहाँ से आपको प्रॉपर पूरा राजनांदगांव शहर दिखलाने वाला हूँ। रिटर्न लेते हैं चौक की ओर। इसी चौक से मैं सीधा सीधा गया हुआ था मार्केट वाले, आप लोगों को फर्स्ट में ही दिखलाया मार्केट सीधा वाला। उसके बाद फिर पीछे गया था रेलवे स्टेशन दिखलाने के लिए। अब मैं अब क्या करूँगा, प्रॉपर पूरा ऐसे घूम के ऐसे आऊँगा। तो ऐसे गैप गैप में दिया हुआ है, उस साइड भी जा सकते हो, इस साइड भी आ सकते हो ऐसा करके। तो उस साइड तो मैं ऐसे घूम कर आऊँगा तब ले चलूँगा आपको। ये फर्नीचर के शॉप है बार, वाह क्या बात है, बार बार भी खोल दिया भाई। तो देखिए और कमेंट करके बताइए राजनांदगांव सिटी का ब्लॉग कैसा लग रहा आप लोगों को। ये फिर सिग्नल आ गया भाई, सिग्नल ही सिग्नल है। ये पेट्रोल पंप, क्या बात है भाई, इतना छोटा सा पेट्रोल पंप। ये भी अंदर चलकर देखते हैं, ये भी मार्केट एरिया ही तो लग रहा है। जूते चप्पल बर्तन वगैरह हैं मिट्टी के, नारियल पानी पीने का तो मन कर रहे हैं। यहाँ पे मिट्टी के पूरे बर्तन हैं। आगे में एक चौक है, वहाँ तक चलते हैं। ये सामने में चौक, जस्तम चौक के नाम से फेमस है ये। अरे वाह, बैंक है, कपड़े के शॉप है, राशन दुकान है, सब्जी मंडी भी लग रही है इस साइड। चलो अपन फिर से रिटर्न लेते हैं। यही वाली चौक से मैं अंदर घुसा हुआ था, तो अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो राजनांदगांव मैं भी अच्छे से घुमा नहीं करके मैं ना कंफ्यूज हो गया हूँ, इसलिए जो भी सेक्शन बाय सेक्शन मिलते जा रहे हैं उस पर मैं अपना बाइक घुसा दे रहा हूँ, जिससे मुझे भी जानकारी हो जाएगा और आप लोगों को भी अच्छे से जानकारी दे पाऊँगा।
ये क्या है, समुदाय केंद्र, उस साइड का भी एरिया आप लोगों को ले चलूँगा ऐसे जब रिटर्न आऊँगा तब। गांधी नगर पालिका निगम गुरुद्वारा चौक, ये भाई मस्त बेच रहे हैं, अरे मिट्टी के भगवान जी बनाए हुए हैं सामने में गुरुद्वारा। चलो अभी इस साइड चलकर देखते हैं थोड़ा, इधर भी जूते चप्पल स्कॉ वगैरह के दुकान है। मुझे लगता है कि जिस चौक से मैं रिटर्न लिया हूँ ना, अगर उस चौक से थोड़ा और आगे बढ़ता तो ये गुरुद्वारा वाली रोड आपको मिल सकती है, क्योंकि मैं मार्केट अभी अच्छे से मैं कवर नहीं किया हूँ। मार्केट अच्छे से कवर करता तो मुझे पता चलता, तो ये सीधा सीधा उसी मार्केट में कनेक्ट करेगी ये वाली रोड। आसपास के एरिया भी काफ़ी मस्त है, अंदर ही अंदर एक से एक दुकान बने हुए हैं, होटल वगैरह भी है। दांत का दवा खाना, राज फर्नीचर नाम ही काफी है। अरे वाह, जाप यहाँ सैमसंग वीवो ये सबके शोरूम है। तो अभी यहाँ से अपन रिटर्न लेते हैं गणेश मेडिकल, मेडिकल वगैरह पे तो भीड़ रहता ही है। मार्क्स चौक, अरे वाह ये नया निर्माण किया लगता है। देखिए यही वाली कनेक्ट करता, यहाँ पे मोबाइल के एसेसरीज पूरे मिल रहे हैं, अंदर ही अंदर पूरा मार्केट है भाई। अच्छा अच्छा यहीं से मैं अंदर गया था गुरुद्वारा, मस्त खूबसूरत सा दिख रहा है। अभी चलते हैं, यहाँ पे हॉकी स्टेडियम भी है वो भी देखेंगे अपन। इधर क्या लिखा है, माता माँ शीतला आपकी मनोकामना पूर्ण करे। ये खूबसूरत सा तालाब है, गन्ना रस भी मिल रहा है भाई, अरे वाह। तो ये एक मतलब कि आसपास में झील जैसा बना है चौपाटी के लिए, आज साइड में चौपाटी आगे साइड में ये लिखा हुआ है अमर मयारू राजनांदगांव संत कंवर राम द्वार। तो ये चौपाटी एरिया है, आगे चल के दिखलाते हैं चौपाटी एरिया भी। वाह क्या मस्त दिख रहा है, लबालब पानी भरा हुआ है यहाँ पे, ये होटल भी है। मस्त लग रहा है ना यहाँ से नज़ारा, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। इंडियन बैंक, मस्त शिवलिंग है, हर हर महादेव। ये कौन सा कंपनी है, क्या खूबसूरत सा घर बना हुआ, और ये सीन है अपने बालकनी से देखोगे तो क्या मस्त लगेगा, इसलिए यहाँ पे होटल वगैरह भी बना है। ये नर्सिंग होम है, पार्क नर्सिंग होम। काफी अंदर आ गया हूँ मैं, काफी सुंदर सा दिख रहा है ये दृश्य। सामने में इतने खूबसूरत खूबसूरत घर बने हुए हैं, होटल हैं, ये भी मस्त दिख रहा है। गुरुद्वारा देखिए क्या नज़ारे हैं भाई गुरुद्वारा के। अभी मैं फिर से आ गया हूँ, ये मेन रोड है, इस मेन रोड से इस साइड आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या देखने को मिलता है। हॉकी स्टेडियम इसी रोड में ही है राजनांदगांव का। जमकर चेकिंग हो रहा है इस साइड भी बाइक वगैरह का, रुकवाना चाहते तो रोक लो भाई हमें भी। तो इधर कॉलोनी वगैरह है, पूरा चौपाटी है ये सिंधु भवन।
यहाँ पे सेकंड हैंड बाइक वगैरह भी मिलता है। इसका मैंने एक व्लॉग बनाया था, 1 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा। और सेकंड हैंड बाइक का अगर वीडियो चाहिए तो भरपूर कमेंट करिए, मैं ज़रूर बनाऊँगा आप लोगों को और दिखलाऊँगा अपने छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर सेकेंड हैंड बाइक मिलते हैं। ये है देखो सेकेंड हैंड, यहीं का मैं बनाया था व्लॉग। घर देखिए कितना खूबसूरत घर बने हुए इस साइड, धोलिया नागपुर भंडारा यही वाली रोड सीधा कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे सब चाय नाश्ता सेंटर है, समोसे खा रहे हैं भाई साहब, फोटोकॉपी के शॉप है, बालाजी ऑटो पार्ट्स, और ये जो दिख रहा है ना ये हॉकी स्टेडियम है। चलिए यहाँ चौक से अपन लेते हैं लेफ्ट, हॉकी स्टेडियम राजनांदगांव का, अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं पी रहा था नारियल पानी, बहुत जोर से प्यास लगी हुई थी, और आगे बढ़ते हैं। तो ये राजनांदगांव का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, मुझे लगता है कि राजनांदगांव के अलावा और कहीं हॉकी स्टेडियम इतना बड़ा तो नहीं बना होगा हमारे छत्तीसगढ़ में। अब इसके एंट्री अभी तो फ़िलहाल बंद है, नहीं तो मैं अंदर घुस के आपको ज़रूर दिखलाता। यहाँ भी रोड किनारे में आपको चौपाटी देखने को मिलेंगे, जैसे कि गुपचुप सेंटर, मोमोस, और ये घर सजाने का झूमर वगैरह। यहाँ पे महाविद्यालय हैं, ये सब मैं आपको दिखलाते हुए गया था। तो रिटर्न होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम वाली रोड है, जैसे अपने नेहरू नगर है, स्मृति नगर है ना अपना भिलाई में, वैसी एरिया यहाँ पर है। दुकानें हैं इस साइड में, तो स्टेडियम दिखलाते हुए मैं गया था। अब आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद उस साइड के एरिया दिखलाना है। यहाँ पे डोमिनोज भी है, वो भी आप लोगों को मैं दिखला दूँगा, कभी भी आपको राजनांदगांव में कार्य हो या फिर किसी काम से फंस गए हो। वैसे डोमिनोज तो है लेकिन KFC है कि नहीं आइडिया नहीं है मुझे, और मॉल है भी कि नहीं वो भी आइडिया नहीं है मुझे। मेरे ख्याल से राजनांदगांव में मॉल नहीं है, माता नगर। तो यही चौक से मैं अंदर गया था, अब यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ मैं, नर्सिंग होम। अब इससे एक तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे, एक्सिस बैंक, इस साइड के एरिया पूरा बचा हुआ है। यहाँ भी स्पर्श करके लिखा हुआ है, हमारी भिलाई में भी स्पर्श है, यहाँ भी स्पर्श है। अभी देखो ओवर ब्रिज अगर आते तो बाहर ही बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि अभी मैं निकल गया हूँ बाहर, राजनांदगांव सिटी से बाहर हो गया हूँ मैं। लेकिन बाहर में भी आपको काफ़ी कुछ, ये देखिए 1 BHK 2 BHK फ्लैट देखने को मिलेंगे। आगे में है डोमिनोज, वो भी आप लोगों को दिखलाता हूँ, इसी रोड पर ही है भाई साहब डोमिनोज, इसी को मैं बता रहा था आपको। अब यहाँ से आगे चौक से फिर से रिटर्न लेना पड़ेगा मुझे। राजनांदगांव का कृष्णा नगर है इस साइड से, और ये फर्नीचर के शोरूम है भाई, निरंकारी फर्नीचर नाम ही काफ़ी है, हीरो के शोरूम है, ये सोनोग्राफी सेंटर है, संजीवनी विक्रय केंद्र, ये है माँ पाताल भैरवी, जहीं से अंदर जाने का है मार्ग, आपको माँ पाताल भैरवी का दर्शन करा देता हूँ दूर से। तो कितना बड़ा शिवलिंग बना हुआ है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लोग वैसे भी आ रहे हैं दर्शन करके जा रहे हैं, बहुत प्यारा है ये माँ पाताल भैरवी माता। कभी भी आपका राजनांदगांव आता है तो यहाँ पर माथा जरूर टेकिएगा। अभी तक मैं इस साइड के एरिया आप लोगों को दिखला रहा था, अब बारी है इस साइड के एरिया देखने का। टीवीएस के शोरूम है, आगे में होंडा का शोरूम, यहाँ पे बाइक भी रखा हुआ है डेमो के लिए, और ये है भारतीय स्टेट बैंक। अंदर पूरा बना हुआ है, इधर है बजाज का शोरूम, काफ़ी सारे गाड़ियां हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे पूरे कॉलोनी है, देखा कितना बड़ा है शहर। ये अस्पताल है, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, पैथोलॉजी। ये बजरंगबली का मंदिर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का इतना बड़ा जिला है। इधर चलकर देखते हैं एक बार इस साइड में क्या है। इस साइड भी रोड किनारे में फल की दुकान लगे हैं गुपचुप के। ये भाई लेके जा रहे हैं कपड़े। अच्छा, ये वाली जो रोड है ये कनेक्ट करती है रेलवे स्टेशन को। यहाँ तक अंदर आकर दिखलाया था, सीधा ही सीधा इस साइड नहीं आया था मैं। ये ट्रैक्टर के शोरूम है, क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है राजनांदगांव घूमते हुए। कमेंट करिएगा, क्योंकि देखो वीडियो में सब कुछ कवर करना इतना मुश्किल होता है, मैं बता नहीं सकता। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि सारा का सारा डिटेल एक ही वीडियो में आपको मैं दे पाऊँ, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। इतना बड़ा ज़िला, इतना बड़ा शहर को मैं एक वीडियो में कहाँ मैं दिखला पाऊँगा। तो फिर से मैं रिटर्न ले लिया हूँ जिस चौक से मैं अंदर घुसा हुआ था, और सामने में है हॉकी स्टेडियम। तो वो वाला हिस्सा मैं आप लोगों को दिखला दिया हूँ। अब यहाँ चलते हैं, इस साइड का एरिया देखते हैं थोड़ा। जिला कार्यालय राजनांदगांव छत्तीसगढ़। तो इधर है जिला कार्यालय। जिला ही कार्यालय है इस साइड में। ये वाली चौक चल कर देखते हैं इस साइड में क्या है। शिव मंदिर है, और यहाँ पे आयस फालूदा, डोसा, इडली। अरे वाह, मस्त बिक रहा है इस साइड। तो इस साइड ऐसा कुछ भी नहीं है, दुकानदारी एरिया है पूरा। तो रिटर्न ले लेता हूँ मैं। ज़्यादा कुछ बचा नहीं है राजनांदगांव शहर के लिए, जो भी बचा है उसको भी अपन कवर कर ही लेते हैं। अब आपको सेकंड हैंड जो बाइक है ना इस रोड में आपको देखने को मिलेगा, वो देखते हैं। भिलाई यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, बोर्ड पे लिखा हुआ है रायपुर 75 किलोमीटर। अरे वाह, सुंदर से बना हुआ है ये। तो इस साइड तो वैसे फ़िलहाल कुछ नहीं है, बस स्टैंड अभी तक नज़र नहीं आया मुझे किस साइड है बस स्टैंड वगैरह। अच्छा, यही तो है नगर निगम बस स्टैंड। अरे सुंदर स्वरूप दिया हुआ है बस स्टैंड का। तो ये है राजनांदगांव का बस स्टैंड। बस वगैरह तो फ़िलहाल चल रही है अभी, मस्त बना दिया बस स्टैंड को भी। इस तरह से बस स्टैंड फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। इतना अच्छा तो रायपुर में नहीं बना हुआ है भाई, जबकि रायपुर राजधानी है। बहुत सुंदर और बहुत क्लीन है, देखिए साफ सुथरा है बस स्टैंड। डोंगरगढ़, छोड़िया, नागपुर मार्ग, सबका मार्ग अलग अलग दिया हुआ है। बस स्टैंड भी अपन देख ही लिए, इस साइड भी खाने पीने के दुकान है, लेकिन बस स्टैंड यार दिल खुश कर दिया राजनांदगांव में। क्या क्लीन है बस स्टैंड, प्लस एकदम अंदर से बना हुआ है। सार्वजनिक शौचालय है, ये भी मस्त सुंदर से दिख रहे हैं। वंदे मातरम, गुरु नानक चौक। तो अपन पहुंच गए हैं गुरु नानक चौक। जय बजरंगबली, कितना खूबसूरत सब मूर्ति बना हुआ है। अब यहाँ से चालू हो जाता है सेकंड हैंड बाइक। ये देखिए अपने पावर हाउस में है, वैसे यहाँ भी लगा हुआ है सेकंड हैंड बाइक की दुकानें। कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ का व्लॉग बनाऊंगा। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा
लंबी सी गई हुई है ये रोड, और राइट साइड में काफ़ी कुछ दुकानें हैं जो मैं आपको दिखलाते हुए गया हूँ। सामने है महावीर चौक, तो इस साइड के एरिया तो मैं पूरा आप लोगों को दिखलाते हुए गया हूँ। बच गया है ये वाला एरिया, इसे भी अपन देख ही लेते हैं। ये हनुमान जी का दरबार है, ये नगर निगम राजनांदगांव का। अरे कितना धूल उड़ा दे रहा भाई साहब। बिरयानी, यानी कि शाम के समय में यहाँ पे चौपाटी लगता है। बस में कितने सारे सामान लोड कर रहे हैं भाई साहब लोग। अब ये हाईवे सीधा निकाल देगी करेला भवानी, यानी कि काफ़ी कुछ जगह निकालती है। तो मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा है कि लगभग मैंने राजनांदगांव पूरा कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों और के साथ लिंक शेयर करिएगा, और कुछ छूटा रह गया है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारी जानकारी आप तक मिल पाए। और कौन सा शहर देखना है, कौन सा गांव देखना है, पूरा कमेंट बॉक्स में भर डालो लिख लिख कर। मैं सर्च मार मार के उसके बारे में डिटेल ले लेके मैं अच्छे से व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको भी देखने में दूसरे के साथ शेयर करने में अच्छा लगे। तो बस गाइस, आज का ये व्लॉग आज मैं यहीं पर एंड करता हूँ।